एक्चुअली हमने इधर करेक्ट दो बजे हमारे पास फायर कॉल मैसेज आया, मैसेज मिलते ही हमने उधर से निकल गया, इधर दो पाँच तक इधर आ गया, दो पाँच से पहले ही आ गया था। आने के बाद देखा पूरा दुकान बंद है, बंद के साथ साथ पूरा फ्लेम चारों तरफ से निकल रहा था। उसके बाद इमिडिएटली तब तक हमारे साथ साथ हमारा ओनर, दुकान का ओनर भी आ गया, उन्होंने से हमने खुलवाया तो बहुत ज़्यादा फ्लेम आ रहा था, इमिडिएटली हमने सामने का आग पूरा बुझा दिया। आग बुझाने के बाद फिर आगे बढ़ते गया, एक एक चीज हम निकाल, हमारे आदमी लोग इधर से एक एक चीज निकलते रहे, फिर कितना हो सकता हम आगे बढ़ते 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 पूरा आगे निकाला। उसके बाद देखा चारों तरफ से फैल भी रहा था। अभी आप देखा होगा रूफ वगैरह से नियरेस्ट कितना भी शॉप से, मेरे ख्याल से रेजिडेंशियल एरिया भी है उधर के लिए भी फैल जाता। पीछे एक मेडिकल स्टोर है वो मेन है, उसमें तो बहुत फ्लेमेबल मेडिसिन वगैरह रखा होगा, उसमें फैला नहीं, वो सबसे अच्छा होने तो ब्लास्ट भी हो, धीरे 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 एक एक करके मेडिसिन गर्म होने से ब्लास्ट भी हो सकता था। वो भी ये लोग बहुत मेहनत करके सी एस एफ को फैल रहे, वो लोग एचपीसी से आया, वो लोगों ने बुझा दिया है। किस कारण शॉर्ट सर्क्यूट ही हो सकता है, एक तो बहुत पहले आग लगा था, हमको मैसेज बहुत लेट में मिला, हम आ गया तो चारों तरह से एकदम विग्रेसली फ्लेम आ रहा था।